अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। खाने में तड़का विद नान भाभी मैम आपके खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो भाभी आज क्या बना रहे हैं हम लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी चिकन। हैदराबादी, पाकिस्तान के हैदराबाद या इंडिया के हैदराबाद? पाकिस्तान। अच्छा, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिए, ठीक है, और दो प्याज लिए जिसको हमने इस तरह काट लिया है, और ये जो हमने एक पाव दही लिए, ठीक है, ये अच्छा बड़ा बॉल है भर के। हाँ, और ये एक कप हमने दही वो ऑयल लिया है, और ये आधा चम्मच गरम मसाला है, एक चम्मच जो है नमक है, और ये सूखे मसालों में है आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी है, और एक चम्मच भर के हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, दो चम्मच हमने भर के धनिया पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हमने वो देगी मिर्च ली है। कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं हाँ, इनको। और ये एक चम्मच हमने भर के देसी घी लिया है। ओ हाँ, और एक दो चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये दो चम्मच हमने जो है क्रीम लिया है। अच्छा, हाँ, हम अब इस सबको चिकन में मैरिनेट करेंगे। ये हल्दी गई, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्चों का पाउडर, और ये अदरक लहसुन, और ये स्पून नहीं था हमारे पास इसलिए हम स्पून लेने गए। भाभी ये घी आप इसमें क्यों डाल रहे हैं? इसके अंदर डाल रहे हैं देसी घी। अच्छा, हाँ, तो फिर खाने मतलब बनाने के लिए आप अलग ऑयल इस्तेमाल हाँ, करेंगे? अलग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। और ये क्रीम इसको तकरीबन लगा के कितनी देर छोड़ेंगे? आधा एक घंटा तो छोड़ना है। अच्छा, ताकि वो पकाना, जरा हमें दही पास करो। नमक डालना हम भूल गए। इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप एक घंटे के लिए जो है रख दें। ज़्यादा आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप दो घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पूरी रात भी रख सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम प्याज डाल देंगे। समझ के दें, प्याज को इतनी इतना पकाएंगे कि ब्राउन हो जाए। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। अच्छा, बाय द वे वो चिकन जो है ना मैरिनेट होने के लिए एक घंटे हो गया उसको रखे हुए। अब हम जो है तो जब भी हमने प्याज हाँ तो तभी हमने प्याज चढ़ाई है। भाभी आप बोलो, एक घंटा हो गया है रखे हुए इसको, आराम करते हुए इनको एक घंटा हो गया। हाँ, देख लें आप इस तरह से ना तेल ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही है ना भाभी? सही बता रही हूँ ना? हाँ, सही बता रही हूँ बिल्कुल। ऐसे ही निशानी बताई है भाभी ने कि मैरिनेट के बाद जब आप उसको एक दो घंटा रखते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है। एक घंटा हो गया चिकन को, अब ये हम प्याज हमारी हो गई है, अब इसमें हमने सब डाल दिया मसाला। बस इसका ही अपना पानी है दही का चिकन का, इसे नहीं ना ये गलेगी। इसमें और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना? नहीं, एक्स्ट्रा पानी नहीं। मिक्स कर लें अच्छी तरह, फिर इसके बाद इसको ढक दें। चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, दही और चिकन थी, अब हम इसको ढक देंगे, इसको हम गलने के लिए रख दिया। कितनी देर भाभी? तकरीबन तकरीबन जब तक चिकन गले नहीं, और 5-10 मिनट तो लगेंगे। ठीक है, बीच बीच में चेक करते रहिएगा, चलाते रहिएगा कि कहीं लग ना जाए, क्योंकि क्रीम वगैरह डली हुई है ना इसमें। अब इसमें हम ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये नहीं डाला था हमने, कहा था जब थोड़ा रेडी होगा ना उस टाइम डलेगा, क्योंकि ये कलर के लिए होता है ना। अब हम गर्म मसाला डालेंगे, मिक्स कर लें इसको, और बस 5 मिनट और पकाएंगे। बस सारा तेल तो ऊपर आ गया है, बच्चा दे देना भाभी। नहीं नहीं 5 मिनट और। तो फिर चिप्स खाते हैं, 5 मिनट के ब्रेक है ना। चले आई बैक, क्योंकि मैंने इनको भूख भी बहुत जोर से लग रही है, पूछ रही कब बनेगा, कब तैयार होगा। रोटियां भी नहीं डाली है भाभी ने अभी तक। हाँ, इसलिए ये चिप्स खाओ जब तक। तैयार है हमारी हैदराबादी चिकन, और खाएं और हमें बताएं कि कैसी लगी है हमारी डिश। अगर आपको पसंद आ रही है तो हमें सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी आपने इसको सर्व क्यों नहीं किया? इसी में ही करते हैं, हैदराबादी जो होती है ना डिश, उसको इसी तरह कढ़ाई में सर्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।